अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कैनेडियन पाकिस्तानी ब्लॉगर आसिम सर्वर फ्रॉम आसिम सर्वर प्रोडक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर हर साल आते हैं। 3 से 3.5 लाख के लगभग तकरीबन स्टूडेंट हर साल यहाँ पर आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर लैंड करते हैं, अपनी स्टडीज़ करने, अपना करियर में अपना फ्यूचर बनाने, पीआर लेते हैं, अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अनाउंसमेंट की थी रिसेंटली कि यहाँ पर जो अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट आएंगे वो फुल टाइम यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर शॉर्टेज है, लेबर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, जो एम्प्लॉयर्स उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी, काम जो है उनका काम रुका हुआ था क्योंकि उनको लोग नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं जी, ऑनरेबल शॉन फ्रेजर, उन्होंने अनाउंस किया था कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो फुल टाइम स्टडी के साथ फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं अंटिल दिसंबर 2023 एंड तक, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो सारे के सारे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, वो इसलिए कि देखें, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, लेकिन तब कि आपका अगर जो वीज़ा है, स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है, वो 7 अक्टूबर या अक्टूबर की कोई डेट थी, मुझे एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, आप देख सकते हैं 2022 की अक्टूबर से पहले अगर आपका स्टडी वीज़ा प्रोसेस हुआ है, या अगर आप कनाडा के अंदर थे, आपने अपना स्टडी वीज़ा एक्सटेंड किया है, तो फिर आप उस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं, फिर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर आपका अक्टूबर 2022 के बाद वीज़ा प्रोसेस हुआ है और आप उसके बाद आप कनाडा यहाँ पर आपने लैंड किया है और फिर भी आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, जो कि कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं, और वो डेफिनेटली मिस्टेक करें। पर मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बताया कि यार आप ऐसा नहीं कर सकते, जब उन्होंने रिसर्च की तो फिर वो काफ़ी परेशान हो कि ये वाकई हमने गलती कर दी है। लेकिन अभी अगर आपने शुरू में ये मिस्टेक कर दी तो आप अभी से एक जो है IRCC को आप एक मैसेज कर लें, उनको ईमेल डाल दें कि आपसे ये मिस्टेक हुई, आपको अवेयरनेस नहीं थी, आपको पता नहीं था, तो आप उसको जो है वहाँ पर ईमेल डाल के अपॉलोजी कर लें। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे और आप एलिजिबल भी नहीं है, तो फिर कल डेफिनेटली जब आपका ओपन वर्क परमिट का टाइम आएगा, जब आपको स्टडी वर्क परमिट के बाद, आपकी स्टडी खत्म होने के बाद यहाँ पर आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है, तो आपको ओपन वर्क परमिट लेते हुए ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, शायद आपको नहीं भी मिलेगा। तो इसीलिए जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग 7 अक्टूबर के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस हुआ है, तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं, आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते। आप वही जो पुराना सिस्टम था, आप 20 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अक्टूबर 2022 से पहले आपका वीज़ा प्रोसेस हुआ है, या अगर आपका आपने अपना जो स्टडी परमिट को एक्सटेंड करवाया, तो फिर आप लोग फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आई होप जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपके दोस्तों को नहीं पता, आपको नहीं पता, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर कोई किसी को ये प्रॉब्लम फेस वो कर रहा है, अगर वो इस चीज़ में लगा हुआ है फुल टाइम जॉब कर, उसको आइडिया नहीं है, तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो से आपका ज़रूर कोई ना कोई फायदा होगा। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।